आप देख रहे हैं क्राइम 100 न्यूज, हर खबर सच के साथ। सरवर आलम के साथ संवाददाता मनीष गुप्ता की खास रिपोर्ट। कानपुर के नवाबगंज स्थित जागेश्वर मंदिर का दंगल पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि भारतवर्ष में बड़ा मशहूर है। यहां पर इस बार 306 दंगल कार्यक्रम के आयोजन की शुरुआत हुई है, जहाँ पर पूरे भारतवर्ष के पहलवानों ने प्रतिभाग किया है। इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक जितेंद्र पांड्या ने बताया कि इस दंगल में मशहूर पहलवानों ने भी अपना अपना जोर आजमाया था, क्योंकि यह ऐतिहासिक दंगल माना जाता है, इसीलिए इस दंगल को हर वर्ष बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार भी कई धुरिंदर पहलवानों ने शिरकत करी है। वही विधायिका नीलिमा कटियार ने कहा कि बाबा जागेश्वर के अनुकंपा से ये दंगल 300 वर्ष से भी अधिक पुराना है। ये लगातार आयोजित होता जा रहा है, जो कि एक ऐतिहासिक दंगलों में शामिल है और उत्तर प्रदेश की शान भी है। आज हमारे यहाँ जागेश्वर मंदिर का अखाड़ा है, ये लगभग 306 वर्ष पुराना है और हमारे यहाँ देश विदेश से सारे पहलवान आए हैं। कुछ नेपाल से आए हैं, कुछ हरिद्वार से हैं, हरियाणा से हैं, गाजियाबाद से हैं, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश से, पूरे प्रदेश से, पूरे देश से, सभी जगह हमारे यहाँ पहलवान यहाँ पर आए हुए हैं। और अभी हमारे यहाँ चैलेंजिंग कुश्तियाँ भी होती हैं, कुछ पुरुष और महिलाओं की कुश्तियाँ होती हैं और महिला और पुरुष की कुश्तियाँ होती हैं। उसमें जो लोग भी जीतते हैं, हम लोगों के यहाँ पुरस्कार 1,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक रखा जाता है और उस पुरस्कार का वितरण 51,000 रुपये प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार 21,000 और तृतीय पुरस्कार 11,000 रुपये दिया जाता है। उसके बाद उन पुरस्कारों के साथ हम लोग शील्ड का भी वितरण करते हैं। और जो पुराने पहलवान आते हैं हमारे यहाँ, जो 50-50 साल पुराने पहलवान हैं, हम लोग उनको भी पुरस्कृत करते हैं, उनका भी सम्मान करते हैं। देखिए, हम सबके लिए बड़े गौरव का विषय है और ये 300 साल पुराना दंगल है। और न सिर्फ 300 साल पुराना दंगल है, ये बाबा जागेश्वर की ही अनुकंपा है, उन्हीं की कृपा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो पर्यटन विभाग है, जो सांस्कृतिक पर्यटन विभाग है, उसने अगर उत्तर प्रदेश के अंदर किसी अखाड़े को अपना पैसा दिया है तो वो बाबा जागेश्वर धाम अखाड़ा परिसर को पैसा दिया है। और उत्तर प्रदेश के जो हमारा स्पिरिचुअल टूरिज्म का सर्किट है, उसके अंदर हमारा बाबा जागेश्वर धाम का ये हमारा अखाड़ा है। आप देख सकते हैं कि कितने श्रद्धा, सम्मान और उत्साह के साथ इस परंपरा का निर्वहन यहाँ स्थानीय स्तर पर लोग यहाँ हजारों की संख्या में प्रतीक्षा करते हैं वर्ष भर। और न केवल यहाँ के लोग प्रतीक्षा करते हैं, मैं अभिनंदन करूँगी यहाँ की जो संचालन समिति है, उस संचालन समिति का अभिनंदन करूँगी कि देश के बाहर के भी हमारे बड़े प्रतिष्ठित जो पहलवान हैं वो यहाँ पर आकर अपनी पहलवानी के लिए प्रस्तुत होते हैं। और बाबा जागेश्वर के इस परिसर के अंदर एक उत्कृष्ट दंगल का आयोजन हम वर्ष प्रतिवर्ष हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आने वाले जो पहलवान हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि कैसे हर एक जगह पर समानता, यहाँ महिला पहलवान बड़े सम्मान, और मुझे लगता है कि अनोखा दंगल है कि महिला और पुरुष पहलवान एक साथ एक अखाड़े के अंदर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। आपके इस संचार माध्यम के माध्यम से मैं सभी को बाबा जागेश्वर धाम परिसर के इस आंगन में होने वाले इन 300 वर्ष से भी पुरानी इस परंपरा के निर्वहन के लिए इस समिति का अभिनंदन करते हुए यहां पर आने वाले सभी को मैं सावन के इस महीने की, बाबा के इस महीने की बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ।